सुरेंद्र पटेल जी, श्री प्रवीण सिंह जी, श्री अवधेश राजभर जी, श्री राकेश यादव जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री शैलेश राम जी, श्री दिनेश भट्ट जी, श्री अभय प्रसाद सिंह जी, श्री राजेश चौहान जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, अरविंद राय जी, चतुर्भुज चौबे जी और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं जब जंगीपुर की इस सभा में हमारे प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं, श्री राम नरेश कुशवाहा जी को जिताने की अपील करने के लिए आज मैं यहां। मैं 5 साल के पहले 2 मार्च को गाजीपुर में आया था, आज फिर से 5 साल के बाद जंगीपुर के अंदर गाजीपुर की पवित्र धरती पर आया। सबसे पहले मैं परमवीर चक्र अब्दुल हमीद, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, अब्दुल हमीद जी को प्रणाम करना चाहता हूं। क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और हत्याराम मठ में 700 साल से बैठी हुई बुढ़िया माई को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूमता गाजीपुर से गाजियाबाद तक आज यहां आया हूं। 6 चरण के चुनाव हो गए हैं, 6 चरण के चुनाव में निश्चित हो चुका है कि सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार 300 पार वाली सरकार कमल निशान की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी, और उसका कारण है कि 5 साल पहले हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे। मुझे बताओ भाई जंगीपुर वालों, मुख्तार अंसारी आज कहां है? अरे जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? और आजम खान कहां है? अगर गलती से साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, रहेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं की चुंगाल से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2000 करोड़ रुपए की भूमि ये माफिया कब्जाए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने 2000 करोड़ की भूमि माफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के घर भरने का काम। पूरे राज्य भर में अपराध में कमी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, उत्तर प्रदेश में डकैती में 72% की
कमी आई है। कितने प्रतिशत की? लूट में 62% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हत्या में 71% की कमी लाने का काम किया है। अपहरण में 29% की कमी लाने का काम किया है और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सपा बसपा बसपा सपा की बुआ भतीजा की सरकार जब चलती थी तब उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए कोई पुलिस की एफआईआर नहीं लिखी जाती। उनकी दो ही चीजें थी, अखिलेश बाबू के चश्मे में दो ही कार्ड, एक जाति के लिए था जिसमें आप और मैं तो आते नहीं हैं, आते हैं क्या, और दूसरा एक धर्म के लिए था जिसमें भी आप और मैं नहीं आते हैं, आते हैं क्या। पहली बार उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विश्वास की सरकार चली है मित्रों, पहली बार। और इसी के कारण आज गरीबों को पहली बार आजादी के 70 साल के बाद अपना अधिकार मिलने का काम हुआ। ये माताएं बहनें बैठी हैं, उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को फ्री गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। और मैं बता देता हूं, दूसरी बार सरकार बना दो, होली और दिवाली में एक एक सिलेंडर मुफ्त में माताओं को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 2,61,00,000 गरीबों के परिवार में शौचालय भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,41,00,000 घरों में निःशुल्क मुफ्त में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं भाइयों बहनों मुझे बताओ, कभी भी ये बिजली रानी जंगीपुर वालों के घर में 24 घंटे आती थी क्या? योगी जी ने 18 घंटे से 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया है मित्रों, गरीब के घर में आज बिजली पहुंची। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की लाई। कितने लोगों ने भाई टीका लगाया, जरा हाथ ऊपर करो तो। सबका टीका लगाया ना, सब सुरक्षित होना। देखिए मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित करने का काम किया है भाई, सुरक्षित करने का काम। अगर टीका न लगता तो तीसरी लहर में सुरक्षित रह पाते क्या? कोरोना आया, गरीब की रोजगारी गई, लॉकडाउन हो गया, रोज कमाकर रोज खाने वाला गरीब क्या था। मोदी जी ने फैसला दिया देश में 80 करोड़ लोग, और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 15 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त में मोदी जी ने अनाज भेजा, और योगी जी ने इसके साथ तेल दलहन और नमक बेचने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। किसानों को हर साल 6,000 रुपया किसानों को भेजने का काम
मोदी जी ने किया 6,000 और 2,54,00,000 किसानों को भेजा है 37,000 करोड़। अब आप लोग ताली बजा रहे हो, मैं बताता हूं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, हम 5 साल तक कोई किसान को बिजली का बिल ही नहीं भरना है, बिजली मुक्त। हर बच्ची जो उच्च शिक्षा के लिए जाती है, माताओं फातुनाथ, हर बच्ची जो उच्च शिक्षा के लिए जाती है उसको मुफ्त में स्कूटी लेने का काम भारतीय, वो पढ़ाई लिखाई के लिए तो स्कूटी लेकर जाएगी, शाम को माताएं आपको पीछे बिठाकर सब्जी मंडी में भी ले जाएगी चक्कर। जो युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करता है उसको एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, या मुफ्त। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की सरकार, पहली बार आजादी के 75 साल के बाद मोदी जी ने पहली बार गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है, पहली बार। और मैं आपको बताने आया कि गरीब कल्याण का काम करने वाली सरकार को एक बार देश के सबसे बड़े सूबे में आप चुन कर दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे, नंबर एक। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सपा बसपा के समर्थन से 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली और 10 साल तक सरदार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सरकार चलाते रहे। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते रहे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते, मगर वहां कोई कुछ नहीं पूछता, हिम्मत नहीं थी किसी की। फिर मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया, फिर से उनको लगा क्या होगा, वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ, एक सपा बसपा के शासन में, सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश सलामत रह सकता है क्या? अरे जोर जरूर रह सकता है क्या? देश सलामत रह सकता है क्या? देश को सलामत केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रख सकते हैं मित्रों और कोई। तो बताओ मुझे, गंगीपुर वालों, फिर से एक बार कमल की सरकार यूपी में बनाओगे? अरे छोड़ से बोलो, बनाओगे क्या? 300 पार वाली सरकार बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत।